ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग रोशन। एंड आज की अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की अपन लोग बात करें तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक गेम प्ले की, जो कि मेरे सामने आया 8-9 महीने पुरानी ये वीडियो है इमू बीजीएमआई की। एंड मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी इनफैक्ट देखने में। बट देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो उसके की यू नो मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड ह्यूज प्रॉप्स, 60 अलाइव, ऑलमोस्ट 60 प्लेयर्स अराउंड लास्ट के 2-3 सर्कल्स ये खेल रहे थे बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने जोन एंट्रीज करी है। कुछ कुछ चीजें समझने में आई इसके अंदर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड इट वुड बी ग्रेट अगर ये कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे। आई वुड ट्राई टू पिन द कमेंट एज वेल, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमेजिंग स्टाइल ऑफ एंट्री, अमेजिंग स्टाइल ऑफ गेम प्ले, अमेजिंग एग्जीक्यूशन। बाकी देखते हैं आगे कैसे था। तो चलो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना चैनल को। 1 मिलियन का हमारा गोल है, जो कि हो नहीं रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि हो जाए। बट खैर लेट्स स्टार्ट। अब तुम्हें इनके कॉल्स भी आते रहेंगे हल्के हल्के। अब तुम मैप देखो, सबसे पहली चीज अगर तुम मैप को देखो ना, ये चारों प्लेयर्स यहाँ हैं। इनके अकॉर्डिंग पहली चीज ये रही होगी कि जोन या तो इधर बनना चाहिए या फिर ऑब्वियसली सर्कल इधर की साइड कहीं पे बनना चाहिए, ताकि इनको जोन का एज मिल सकता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जोन, का पिछला जोन तो बड़ा था। सो इन्होंने एरिया बढ़िया चूज किया। अब यहां से एंट्री पाथ की अगर हम लोग बात करें तो तुम देख सकते हो नंबर 4 जो कि इमू है, नंबर 4 इनके लिए बनता है एंट्री पाथ ये काफी स्टैंडर्ड पहला। अगर और एंट्री पाथ हो तो यहां से सबसे पहली चॉइस बनती है कि आप यू नो घूम कर जाओ, एंड चाहो तो चर्च पे अपनी गाड़ी लगा सकते हो। चर्च का एरिया होता है, पहली चीज आपको हाई ग्राउंड मिलेगा, दूसरी चीज आप एज से खेल रहे होगे, तीसरी चीज पीछे से आने वाली टीम्स का आपको पता रहेगा, तो आप अपने बैक एंड को देख सकते हो। ये पूरे एरियाज खाली होने चाहिए, मतलब यहां पर ही प्लेयर्स होने चाहिए, सो आप बैक एंड को देख रहे हो राइट। काफी ज्यादा सिंपल, काफी ज्यादा बेसिक चीज। नहीं जा सकते, मेरा बात मान, अपन उधर जाने का है ग्रीन मार्क। ठीक ठीक, स्मोक करके गाड़ी निकालो, स्मोक करके गाड़ी निकालो, स्मोक करके गाड़ी निकालो। ये मैंने 5 बार एक कॉल आउट सुना स्मोक करके गाड़ी निकालो, लेकिन किसी ने स्मोक नहीं किया गाड़ी निकालने के लिए। आई एम सॉरी। चलो चर्च पे फाइट देना है, ठीक है? जैसे हमने बात करी चर्च के अराउंड फाइट होनी चाहिए, जो कि काफी सही डिसीजन बन जाता है। एंड ऑब्वियसली इतने बंदे भाई, फ्रेम ड्रॉप होगा। सो चर्च पे घुसने की 2-3 चीजें। आप सीधा ऊपर नहीं जा सकते हो, हमेशा से आपको पता है जब भी रशेस होते हैं ऐसे सर्कल में जहां पर इतने लोग जिंदा, आप सीधा ऊपर नहीं घुसोगे। चर्च पे बंदे हो सकते हैं, वो आपको ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। अब गाड़ी से उतर के वेपन उठाने में जो आपका एनिमेशन होता है उसके बीच में आप पकड़े जा सकते हो, काफी सारी दिक्कतें ऐसे आ सकती हैं। सो आप नीचे रुकोगे, प्लेयर्स को स्पॉट करोगे, अपने टीममेट्स को बोलोगे कि वो आपके साथ फाइट ले। स्टैंडर्ड आगे से और गोलियों की आवाज आ चुकी है, मतलब आगे भी बंदे होने चाहिए। ज्यादा आगे मत घुसो, चर्च पे बंदे हैं। नहीं नहीं, चर्च पे बंदे हैं। चलो यूरोस की नेड खींचो, आगे के डिप पे जा रहा हूं। चर्च के जब, चर्च के जब डिप पे जा रहा हूं, कवर करो मेरे को। गाड़ी आई पीछे से, कहां पे कर पे कवर स्मोक कर, स्मोक कर। एक का पता चला है। लेट्स टॉक अबाउट दिस सर्कल अगेन, ठीक है? जैसे सर्कल कटा है ना, 140 आया था, जैसे सर्कल कटा साथ के साथ जोन देखा गया। वेरी गुड आई जेलिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आगे का सर्कल कहाँ पर है, आगे का सर्कल कितना दूर है और उसके अराउंड मूवमेंट का पाथ कैसा हो सकता है। यहाँ पर एक कंपाउंड दिखता है इस सर्कल में, ठीक है? यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिखते हैं, यहाँ पर कंपाउंड दिखते हैं। आप यहाँ से पूरा घूम के यहाँ का कंपाउंड नहीं लोगे, क्योंकि आपको इस टेरिटरी का पता नहीं है, यहाँ के कंपाउंड नहीं लोगे। आपके लिए अच्छा कंपाउंड हो सकता है ये, अदरवाइज ओपन में बैठना, लेकिन ओपन में भी आपको एक ऐसा डिप लेना पड़ेगा जहां पर आपके सामने गाड़ी हो, एंड अगर गाड़ी हुई तो आप दिख जाओगे, दिक्कत होगी कि आप ही की गाड़ी है। कवर दे रहा हूं,
बेस्ट पार्ट इन दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज कि ये एक चीज कर रहे हैं, वो है घर बाय घर जा रहे हैं, सीधा जोन में एंट्री नहीं मार रहे। अगर आप ऊपर मैप पे देखो ना, ब्लू घर ये है और इनके पीछे वाला घर ये है, तो ये सीधा जोन में एंट्री ना मार करके पहले ब्लू घर देखना चाहते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड डिसीजन। ये स्प्रे गंदा नहीं था, ये एम असिस्ट ऑफ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिनिश हुए यहां पे बंदे, तो बाकी लोग आगे का एरिया ले रहे हैं जहां पर बता दिया गया कि हाँ उधर बंदे हो सकते हैं। वेरी गुड डिसीजन। ये दिक्कत हुई, अपना एक टीममेट उड़ना थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब उसको रेस भी कैसे दिया जाए, राइट? अगर यहां ग्रेनेड आया ना तो मेरा पहला, मतलब मैं बोलूं किसी का भी पहला ही होगा कि हटे। ये ग्रेनेड ऑलमोस्ट मार सकता था, ये ग्रेनेड ऑलमोस्ट मार सकता था। तो दिक्कत देगा ऐसे ग्रेनेड्स। बट ही इज देयर ताकि जोन के पीछे वाला बंदा देख सके। गुड डिसीजन मेकिंग, नीचे मौली किया, अगेन ब्रिलियंट डिसीजन मेकिंग। जोन से आ रहा है बंदा, कटेगा मरेगा, अच्छा डिसीजन मेकिंग। अगला जोन, हिल के लिए जोन बना है पीछे, वहां तक जाना थोड़ा दिक्कत वाली काम होती है। उन्होंने सही किया है एक्चुअली ओपोनेंट्स ने भी कि गाड़ियां फोड़ी हैं। नाउ आई वांट टू सी पूरे टीम के पास स्मोक कितने हैं। ओके नाइस मूवमेंट। स्टैक तक या हे स्टैक तक लगाना पड़ेगा। हाँ आगे शैक पे बंदा है, अभी भी 20 मीटर का फर्क है, बट स्मोक करके वहां तक जा सकते हैं। ये बहुत डेस्परेशन मूव था। अब तो हर जगह फाइट हो ही रही है। फाइनल जोन डिसीजन, सही है, ऑब्वियसली मर जाएगा जोन के बाहर वाला। अब ये या तो 2v3 है, 2v2v1 है। प्लेस के पास हायर ग्राउंड है। ये छोटी मोटी चीजें जो दिक्कतें देती हैं। दो मेरे दो मीटर जोन है, अपना जोन बना तो राइट से। मैं हिल वाले से मरूंगा शायद तब।
ऐसे मोमेंट पे ना आप देखो हिल वाले जो प्लेयर्स हैं उनके पास हायर ग्राउंड कितना ज्यादा है, लेकिन जोन उनको भी काट के आगे धकेल रहा है। अगर वो यहाँ आए तो वो फंसे, अगर वो यहाँ आए तो वो मरे, और ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं। ये पेड़ जो है इकलौता कवर बनता है, इसके अलावा कोई कवर नहीं है सच, लेकिन अगर पेड़ तक भी कोई प्लेयर आएगा घूम के तो पता चलेगा उसका। राइट, लेफ्ट दिखा, एक प्लेयर दिखा ऊपर। अरे वो एयर ड्रॉप पे, एक प्लेयर एयर ड्रॉप पे दिखा। एक जोन के बाहर से आता हुआ दिखा, ऑब्वियसली एचपी कम होगी, कैन टेक हिम डाउन इजीली। ट्राइड टेकन डाउन, वेरी गुड, 2v2 बनता है। एयर ड्रॉप पे एक बंदा अभी भी है, तो भी करके हिल वाला नॉक देना पड़ेगा 3 सेकंड में। उस प्लेयर की गलती है, वन एचपी वो। उस प्लेयर की गलती है, बहुत बड़ी गलती है उस प्लेयर की। इससे लेवल 3 हेलमेट वेस्ट भी उठाया है, दैट आल्सो बिकम्स अ थिंग। जो MG3 वाला प्लेयर था उसे लेवल 3 हेलमेट वेस्ट भी उठाया था, वो एक चीज हो जाती, बिकॉज MG3 उसने उठाई है तो लेवल 3 हेलमेट वेस्ट भी मिला होगा, खुद को हील करने का टाइम मिला बिकॉज हिल वाला बंदा वहां से आ चुका था। ये थी ये पूरी की पूरी फाइट, एंड आई बिलीव बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से फाइट निकाली गई। नो डाउट सेकंड जरूर है, बट अ ब्रिलियंट वे टू जस्ट नो शोकेस की कैसे फाइट एग्जीक्यूट करी जाती है, कैसे फाइट खेली जाती है, किस तरीके से फाइट निकाली जाती है। सो यस गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मेरे को बताना जरूर कि और कौन सी फाइट्स आप देखना चाहते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडो, स्टे ऑसम, एंड पीस गाइस, एवरी एलिमेंट्स मीन टेक केयर, बाय बाय।